हाय गाइस व्हाट्सअप हाई एवरी वन आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने कल देखा था इनडायरेक्ट मेथड और उसके बाद स्टूडेंट हमने सैम्पलिंग मेथड देखे थे जिसमें सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग फ्रेम हम लोगों ने कल डिस्कस किया था फिर मेरिट्स और लिमिटेशन भी सैम्पलिंग की डिस्कस की थी स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टूडेंट हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो सब टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की जो सब टाइप्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और रैंडम सैंपलिंग स्टूडेंट जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसे हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं इन्वॉल्व ए रैंडम सेलेक्शन प्रोसेस टू इंक्लूड ए यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन द इन इन द सैम्पल स्टूडेंट जो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है प्रोबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग एक यूनिट को सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से इन रैंडम सैम्पलिंग ऑल आइटम हैव ए पॉजिटिव प्रोबिलिटी ऑफ ए सिलेक्शंस स्टूडेंट रैंडम सैम्पलिंग में हर एक जो यूनिट होता है पॉपुलेशन का उसके सेलेक्ट होने के चांसेज होते हैं स्टूडेंट

सिंपल रैंडम सैम्पलिंग दिस मैथड सेलेक्ट ए सैम्पल इन सच ए वे दैट ईच पॉसिबल सैम्पल टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बींगलेक्टेड और ईच आइटम इन एंटायर पॉपुलेशन हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल स्टूडेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है जो हर एक यूनिट होता है पॉपुलेशन का उसके सेलेक्ट होने के चांसेज होते हैं स्टूडेंट इक्वल चांसेज होते हैं जितने भी यूनिट होते हैं पॉपुलेशन के उन सब के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के स्टूडेंट जिसमें आता है लॉटरी मेथड लॉटरी मेथड हम लोगों ने बड़ा फेमस मेथड है लॉटरी मेथड स्टूडेंट लॉटरी मेथड में क्या होता है जैसे हम सबको पता है कि एक स्लिप होगी स्लिप पे जैसे मान के चलो इलेवेंथ क्लास के बच्चों का हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो एक स्लिप होगी उस स्लिप पे हम लोगों ने अलग अलग स्लिप्स होंगी और उन पे हम लोगों ने बच्चों के रोल नंबर जो हैं वो लिख के रखे होंगे और उन रोल नंबर स्लिप्स को हम लोग फोल्ड करेंगे और उसे किसी एक ड्रम में रख लेंगे उसे शेक करने के बाद हम रैंडमली मान के चलो हमारी क्लास में हंड्रेड बच्चे हैं और हम लोग हमारा जो सैंपल नंबर है टेन हम टेन बच्चों का सैंपल लेना चाहते हैं तो हम रैंडमली टेन स्लिप को वहाँ से उठाएंगे और देखेंगे कि जिन जिन बच्चों का रोल नंबर स्लिप हमारे ओपन होगी तो हम उन बच्चों को सिलेक्ट कर देंगे स्टूडेंट इस मेथड को बोलते हैं स्टूडेंट लॉटरी मेथड। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिंपल रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट इफ द सिलेक्टेड कार्ड आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ सच ए सैंपलिंग इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट नेक्स्ट स्टूडेंट सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट If the selected card are replaced before the next draw, such a sampling is called sampling with replacement. Student, if the population size is large, agar population size large ho to jo simple random sampling method hai ye bada complex method हो जाता है student, बड़ा cumbersome method हो जाता है। इसका जो alternate method हम use कर सकते हैं, वो है table of random number use कर सकते हैं student हम sampling के लिए। Next हमारा वही method student। टेबल ऑफ़ रैंडम नंबर्स द ईजीएसट वे टू सेलेक्ट ए सैम्पल रैंडमली इज़ टू यूज रैंडम नंबर टेबल देयर आर सेवरल टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर सम ऑफ दम आर कैंडल एंड स्मिथ रैंडम नंबर टेबल टिपिट रैंडम नंबर टेबल फिशर्स एंड येट्स रैंडम नंबर टेबल्स मैथड ऑफ यूजिंग नंबर टेबल स्टूडेंट इसको हम लोग थोड़ा रीड कर लेते हैं in a given finite population the method of selecting a random sample from a random table number is given below student the table contain different number consisting 0 1 2 to 9 and possess the essential characteristics which ensure random sampling a part of the table is given as appendix referring to this page selection of a random sample is explained by taking a finite population of size हंड्रेड यूनिट्स एंड सेलेक्टिंग ए सैम्पल ऑफ टेन यूनिट्स द स्टेप इज टू बी फॉलोड आर एज लिस्टेड स्टूडेंट ये कुछ स्टेप्स हैं आप इनको खुद से रीड कर लेना इन स्टेप को फॉलो करके हम लोग रैंडम नंबर टेबल के थ्रू सैम्पलिंग को कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स ये नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं मैं पी डी एफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप इसको डिटेल में रीड कर देना क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मैं इतनी अगर वन बाई वन आपको रीड करवाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसको खुद से रीड कर देना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम कुछ सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कुछ मैरिट डिस्कस कर देते हैं इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स स्टूडेंट इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस एंड प्रेजिडवाइसिज स्टूडेंट जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है मान के चलो जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इस मेथड से इट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस एंड प्रेज जो पर्सनल स्टूडेंट जो पर्सनल बाइसनेस होती है इन्वेस्टिगेटर की वो इससे फ्री रह सकते हैं हम लोग इसमें द मैथड इज़ सिंपल टू यू स्टूडेंट ये मैथड जो है यूज़ करने के लिए ज़्यादा सिंपल है और इट इज़ इट इज़ टू असेस सैम्पलिंग एरर इन द मैथड स्टूडेंट सैम्पलिंग एरर को भी हम इस मैथड के थ्रू असेस कर सकते हैं डिमेरिट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स इफ द यूनिट्स आर वाइडली डिस्पर्स द सैंपल बिकम अनरिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट जो यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन की अगर वो वाइडली डिस्पर्स हैं तो ये सैंपलिंग जो होगी ये अनरीप्रेजेंटेटिव होगी ये अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी द मैथड इज नॉट एप्लीकेबल वैन द यूनिट्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर स्टूडेंट अगर जो यूनिट है हमारे पॉपुलेशन के अगर वो स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस होंगे तो भी ये मैथड एप्लीकेबल नहीं होगा यूनिट सेलेक्टेड मे बी टू वाइडली डिस्पर्स दस एडहरेंस टू द होल सैंपल मे बी डिफिकल्ट रिमार्क सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज मोर सुटेबल वैन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस स्टूडेंट जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है ज्यादा कहाँ पे सूटेबल है जहाँ पर पॉपुलेशन होमोजीनियस हो अगर पॉपुलेशन हाइट्रोजीनियस होगी स्टूडेंट तो हम लोगों के लिए जो बेस्ट मैथड होगा सैंपलिंग का वो होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो कि हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्टूडेंट इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है स्टूडेंट पॉपुलेशन जो होगी उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा में डिवाइड कर दिया जाएगा उनकी डिफरेंट करेक्ट्रिस्टिक्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स और हर एक स्टेटा से स्टूडेंट पॉपुलेशन या जो यूनिट्स होंगे पॉपुलेशन के उनको सिलेक्ट किया जाएगा ताकि वो यूनिट्स जो होंगे सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रजेंट करें स्टूडेंट स्टूडेंट मान के चलो कि हमारी इलेवंथ क्लास में जो फिफ्टी स्टूडेंट हैं और उन फिफ्टी स्टूडेंट्स में से थर्टी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स स्टडी किया है और ट्वेंटी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने होम साइंस स्टडी की है टेंथ क्लास में स्टूडेंट इस बेसिस पे हम लोग इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को दो स्टैटर में बांट सकते हैं थर्टी और ट्वेंटी के स्टेटर में स्टूडेंट उसी बेसिस पे हम लोग अब सैम्पलिंग के लिए स्टूडेंट्स को चूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स जैसे हम लोग जैसे मान के चलो कि हम लोगों को फिफ्टी में से फाइव स्टूडेंट को अपने सैम्पलिंग के लिए सिलेक्ट करना है स्टूडेंट तो हम लोग थ्री और टू की रेशो में कर सकते हैं कि थ्री जो है हम लोग फर्स्ट स्ट्रेटा से ले लेंगे और टू जो होंगे सेकंड स्ट्रेटा से स्टूडेंट्स को ले लेंगे सैम्पलिंग के लिए लेकिन स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर है वो ऐसे भी प्रेफर कर सकता है कि फोर वो फर्स्ट स्ट्रेटा से ले ले और वन जो होगा वो सेकेंड स्ट्रेटा से ले ले डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि नेचर ऑफ इंक्वायरी क्या है और जो इन्वेस्टिगेटर है स्टूडेंट उसकी विजडम पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स स्टूडेंट student जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होमोजीनियस सब ग्रुप्स और स्ट्रेटम सैंपल साइज स्टूडेंट्स स्टूडेंट इसमें हम लोगों को हर एक स्ट्रेटा से जो है यूनिट्स को लेना होता है ताकि वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए स्टूडेंट को हम मेरिट्स और डिमेरिट्स जो हैं लिमिटेशन हैं स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की वो डिस्कस कर लेते हैं इट प्रोवाइड ए चांस टू स्टडी ऑफ ऑल द सब पॉपुलेशन सेपरेटली स्टूडेंट जो ये चांस प्रोवाइड करता है ये मेथड कि जो सब पॉपुलेशन ग्रुप हमने स्ट्रेटा बना ली उनको हम लोग सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं एंड ऑप्टिम सेकेंड जो मैरिट है स्टूडेंट एंड ऑप्टिमम साइज ऑफ सैंपल कैन बी डिटरमाइन विद ए गिवन कॉस्ट प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी थर्ड स्टूडेंट इट इज़ मोर प्रिसाइज सैंपल ये एक ज़्यादा प्रिसाइज सैंपल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन नेक्स्ट है बाइसिस रिड्यूज एंड ग्रेटर प्रिसाइज स्टूडेंट जो बाइसनेस होती है वो ओवर कम हो जाती है इस मैथड के थ्रू और लिमिटेशन कौन कौन से हैं स्टूडेंट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की वो है स्टूडेंट देअर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्टी स्ट्रेटिफिकेशन एंडहेंस द एक्ूरेसी में लॉस्ड स्टूडेंट जब हम स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे होंगे तो उसमें फॉल्ट आ सकता है जिससे एकूरेसी पर फर्क पड़ सकता है स्टूडेंट प्रपोशनेट स्ट्रेटिफिकेशन रिक्वायर एकट इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच स्ट्रेटम स्टूडेंट्स ये कुछ लिमिटेशन थी जो हमने डिस्कस की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नेक्स्ट स्टूडेंट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग प्रोसीजर इन विच सैम्पल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर रेदर देन रैंडम सिलेक्शन स्टूडेंट जो नॉन प्रोबिलिटी सैंपलिंग होती है इसमें जो जजमेंट की जाती है जो यूनिट सेलेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट वो रिसर्चर की जजमेंट के बेस पे किए जाते हैं ना कि रैंडमली किए जाते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट हम लोग अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स की बात करें तो इसमें स्टूडेंट पहला है पहला जो सब टाइप्स है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग सेकेंड है जजमेंट सैम्पलिंग थर्ड है कोटा सैम्पलिंग और फोर्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग स्टूडेंट वन बाय वन हम इन सब सब टाइप को डिस्कस करेंगे पहला है जैसे कन्वीनियंट सैंपलिंग या कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलेंगे हम इसको द सैंपल्स आर ड्रॉन एट ए कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट जो इन्वेस्टिगेटर है उसके कन्वीनियंट के हिसाब से जो है सैम्पल ड्रा किया जाता है द इन्वेस्टिगेटर पिक अप द केसेस विच आर इजली अवेलेबल यूनिट्स कीपिंग इन ऑब्जेक्टिव इन द माइंड फॉर द स्टडी स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो स्टडी को जिसके लिए वो जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसको माइंड में रखकर जो यूनिट ईजली अवेलेबल होंगे स्टूडेंट उनको वो सिलेक्ट कर लेगा नेक्स्ट स्टूडेंट मेरिट्स क्या क्या है इसके यूजफुल फॉर पायलट सर्वे यूज द रिजल्ट दैट आर इजली अवेलेबल स्टूडेंट जो रिजल्ट इजली अवेलेबल होगा उसको यूज करेगा द प्रोसेस ऑफ पिकिंग पीपल इन द मोस्ट कन्वीनियंट एंड फास्टर वे टू इमिजिएटली गेट दियर रिएक्शन टू ए सर्टन हॉट एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स स्टूडेंट नेक्स्ट है मिनिमम टाइम नीडेड एंड मिनिमम कॉस्ट इन अकर स्टूडेंट इस मेथड में मिनिमम टाइम लगता है और कॉस्ट भी मिनिमम ही लगती है लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स जैसे हाई रिस्क ऑफ सिलेक्शन बाइस्ड स्टूडेंट इसमें जो यूनिट सेलेक्ट करते हैं उसमें बाइसनेस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं मे प्रोवाइड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमको नॉट रिप्रेजेंटिंग सैम्पल एरर ऑकर इन द फॉर्म ऑफ मेम्बर ऑफ द पॉपुलेशन हु आर इन फ्रीकुेंट नॉन यूजर ऑफ दैट लोकेशन एंड हुर नॉट रिलेटेड विद द स्टडी स्टूडेंट नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऐसे यूनिट भी सिलेक्ट हो सकते हैं सैंपल में इसके भी चांसेस रहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग में नेक्स्ट है स्टूडेंट स्नो बॉल सैंपलिंग स्टूडेंट इन दिस टाइप इनशियल ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट आर सिलेक्टेड स्टूडेंट जो इनिशियल रिस्पोंडेंट्स होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है बाद में उन्हीं इनिशियल रिस्पोंडेंट्स की हेल्प से जो नेक्स्ट जो हमारे यूनिट्स होंगे स्टूडेंट्स वो सेलेक्ट किए जाते हैं स्टूडेंट इस टाइप की जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये टेक्निक कहाँ यूज़ की जाती है स्टूडेंट जैसे सेक्स वर्कर को फाइंड करने के लिए ड्रग एब्यूज़र जो हैं इन्हें फ़ाइंड करने के लिए जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है स्टूडेंट इस टेक्निक को हम लोग चैन रेफरल सैंपलिंग भी कहते हैं स्टूडेंट कुछ इनके मैरिट डिस्कस कर लेते हैं मैरिट्स में स्टूडेंट देखो पहला मैरिट्स है अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉल स्पेशलाइज्ड पॉपुलेशन के लिए ये बेस्ट है स्टूडेंट ये वाला मेथड यूजफुल इन स्टडीज इन्वॉल्विंग रिस्पोनेट रेयर टू फाइंड स्टूडेंट ऐसे रिस्पोनेंट जिनको फाइंड करना टफ हो मुश्किल हो वहां पर भी ये टेक्निक यूज की जाती है नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी लिमिटेशन को डिस्कस कर लेते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग की फर्स्ट लिमिटेशन है इट टेक्स मोर टाइम सेकेंड है मोस्ट लाइकली नॉट रिप्रेजेंटेटिव थर्ड है स्टूडेंट मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हु आर लिटल नोन डिसलाइकड और हुज ओपिनियंस कंफ्लिक्ट विद द रिस्पोंडेंट्स हैव लो प्रोबिलिटी ऑफ बींग इंक्लूडेड। स्टूडेंट्स ये कुछ शॉर्टकमिंग्स थी स्नोबॉल सैम्पलिंग की नेक्स्ट स्टूडेंट जजमेंट सैम्पलिंग द इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट इन हिज ओपिनियन सम ऑबजेक्ट्स आर द बेस्ट रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन दैन अदर स्टूडेंट जो इन्वेस्टिगेटर होगा जो उसकी ओपिनियन होगी उनकी ओपिनियन के हिसाब से जो बेस्ट होगा जो बेस्ट रिप्रजेंट करेगा जो यूनिट पॉपुलेशन को वो उससे सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट इसको हैंड पिकिंग भी कह सकते हैंड पिकिंग ऑफ सैम्पलिंग यूनिट जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो हैंड पिक करेगा जो उनको लगता है कि बेस्ट रिप्रजेंट करता है जो यूनिट पॉपुलेशन को स्टूडेंट इसके कुछ मैरिट्स देख लेते हैं हम लोग जैसे स्टूडेंट लो एक्सपेंसेस मिनिमम टाइम नीडेड एंड इजी है स्टूडेंट ये वाला जो मेथड है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग स्टूडेंट ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है जजमेंटल सैंपलिंग वाला मेथड ये किया जाता है जैसे कंपटीशन को क्विज है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जजमेंट सैम्पलिंग वाला मैथड्स लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट इसकी जैसे हाई सब्जेक्टिव है हाईली सब्जेक्टिव है जर्नलाइजेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट सर्टेन मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव ए स्मॉलर चांस और नो चांस ऑफ सिलेक्शन कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट चांसेस कम हो जाते हैं कई यूनिट के सिलेक्ट होने के नेक्स्ट है दिस मैथड डज नॉट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिंस फेवरेटिज़म इन्वॉल्व स्टूडेंट इस मैथड में जो है फेवरेटिज़म के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं किसमें जजमेंटल में। नेक्स्ट है स्टूडेंट कोटा सैंपलिंग दिस इज़ अनदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टूडेंट इसमें पॉपुलेशन को क्या किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और इंटरव्यूअर क्या करता है कि हर एक जो ग्रुप होता है उसको कोटा असाइन करता है स्टूडेंट्स द सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम ईच ग्रुप इज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर हर एक ग्रुप से यूनिट्स की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है इंटरव्यूअर की जजमेंट पे दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग स्पेसिफाइड साइज ऑफ नंबर ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल आर इंक्लूडेड इन द सैंपल स्टूडेंट्स अगर मैरिट्स की बात करें तो द सलेक्शन ऑफ ऑफ द सैंपल इन दिस मैथड इज क्विक स्टूडेंट इस सिलेक्शन जो हम करेंगे सैंपल की इस मेथड के थ्रू जल्दी कर सकते हैं इजी है और सस्ती भी हो जाएगी चीपर भी है मे कंट्रोल सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड है मोर चांस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट इस मेथड के थ्रू पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से रिप्रेजेंट हो सकती है इसके चांसेस हैं लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट सिलेक्शन वाइज हो सकता है जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो सिलेक्शन वाइज हो सकता है इस मेथड के थ्रू सेकेंड लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट द सैंपल इज़ नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अप्लाइड स्टूडेंट जो ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और इसमें स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी जो अप्लाइड नहीं होती है स्टूडेंट स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग देखेंगे सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर आज हमने स्टूडेंट डिस्कस किया स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग जिसमें स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस किया स्टूडेंट्स थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एवरी वन बाय टेक केयर एंड आई वुड बी कमिंग अप विथ सच मोर ऑसम लेक्चर सून्स बाय